हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है लंच से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे चावल है, पराठे हैं, मनराज के लिए आलू फ्राई करे हैं, चटनी है, हरी चटनी, और यहाँ पर है बैंगन का भरता। तो लंच जो है आज हमारा यही है, और इसके साथ हमारे पास है थोड़ी सी छाछ। छाछ तो अब हम इसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। डिनर में आज मैं काली उड़द और राजमा बना रही हूँ, तो इसको कुकर में रख लूँगी मैं, और इसके बाद इसको उबाल लेंगे। इसको उबालने से पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और नमक के साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। कोई सा भी आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो डाल सकते हैं। 2 चम्मच डाल दीजिए, काफ़ी है। अगर आप कुकिंग ऑयल डालेंगे तो इससे ये होता है कि जब भी विसल लगेगी तो कुकर जो है वो गंदा नहीं होगा। इसमें मैं 4 से 5 विसल्स के बाद इसको खोलूँगी। तो यहाँ से 5 विसल हो चुकी थी, और इसको अब मैं ओपन करती हूँ, ठीक है, और दिखाती हूँ। दाल मेरी तकरीबन हो चुकी है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। पानी तकरीबन सूखने वाला था बट सूखा नहीं है। तो यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे। 2 छोटे प्याज, लहसुन, 2 हरी मिर्ची, टमाटर, अदरक मेरे पास नहीं था तो वो ऐड नहीं किया मैंने। तो इसको मैंने हरी मिर्च और प्याज को एक साथ काट लिया है। यहाँ पे टमाटर हैं, और मसाले में इसमें हम हल्दी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ धनिया पाउडर, गरम मसाला यूज़ करेंगे। और लाल मिर्ची मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है, और ये लहसुन जो है वो अब टमाटर के साथ ऐड करके डाल देंगे। तो गरम हो गया मेरा ऑयल, और हम इसके अंदर प्याज और हरी मिर्ची एक साथ डालेंगे, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, तो गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब हम दाल बनाते हैं तो उसके अंदर वाइट प्याज दिखते हैं, तो वो नहीं दिखने चाहिए। इस तरीके से थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए प्याज, तो उसके अंदर टमाटर ऐड कर दीजिए। इससे ये होता है कि जो हमारे प्याज है वो अच्छे से घुल जाते हैं और दाल में नहीं दिखाई देते। तो इसमें मैंने टमाटर और लहसुन डाल दिया है, और इसमें अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर और गरम मसाला। सिर्फ ये दो ही इसमें इसके अंदर 3 ही मसाले डालेंगे, ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें। और इन 2 से 3 मसालों के साथ ही दाल बहुत टेस्टी बनेगी। ये मैंने नॉर्मल सिंपल दाल बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी मैं बिल्कुल भी। तो मैंने पहले नमक डाल दिया था, तो अब एक बार और नमक थोड़ा सा डालूँगी। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मसाला मेरा ऑलरेडी जो है तैयार हो गया। मसाले ने जो है तेल घी जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर दाल जो है हमारी पक चुकी है, तो हम इस तड़के को जो है इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो कढ़ाई काफ़ी गर्म थी, तो मैं करछी के हेल्प से ही इसके अंदर डाल रही थी। तो इसको इसके अंदर अच्छे से सारा मसाला जो है इसमें डाल लेंगे, और जो बाकी आसपास जो मसाला लगा है उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और उस मसाले को भी हम साथ में इसी में डाल देंगे। आप देख सकते हो मैं बाकी मसाले को भी पानी की हेल्प से निकाल लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब अच्छे से पकाते हैं मसाले को तो आसपास थोड़ा सा कढ़ाई में लगने लग जाता है। तो उसको भी आप इस तरीके से पानी डाल के और अलग कर लीजिए, और उस पानी को आप वापस अपनी दाल में या सब्जी में जिसमें डालना है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी मेरे को कढ़ाई साफ़ नहीं करनी है, क्योंकि मैंने मनराज के लिए थोड़ी सी दाल अलग प्लेन दाल निकाल के रखी है। तो मनराज के लिए यहाँ पे मैं अलग से जो है तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इस दाल को तड़का लगा दिया, फ़िलहाल आप देख सकते हो बिल्कुल वैसी दाल बनी है जैसे कि आपको बाहर भंडारे में, गुरुद्वारे में, लंगर वगैरह में मिलती है। तो यहाँ पे ये दाल काफ़ी गाढ़ी हो रही थी, क्योंकि अगर अभी विसल लगेंगे तो ये नीचे लग जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये छोटा गिलास है, तो 1 गिलास मैंने पहले डाल दिया। अब इसके अंदर ये आधा गिलास और पानी डालूंगी, यानी कि कुल मिला के तकरीबन 1 गिलास इसमें और पानी डलेगा, और उसके बाद में इसको गैस पर चढ़ा दूँगी मैं। और जब तक मेरी ये दाल थोड़ी सी और पकेगी, यहाँ पर मैं मनराज के लिए छौंक लगा दूँगी, जो मैंने प्लेन दाल अलग से निकाल के रखी है इस पर मैं छौंक लगा दूँगी। तो इसके लिए मैं मनराज के लिए जो यूज़ करूँगी देसी घी यूज़ करूँगी।
हम अलग से जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। मनराज के लिए हम लोग देसी घी यूज़ करते हैं। तो देसी घी डालने के बाद इसके अंदर सिर्फ मेरे को दो चीज़ें और ऐड करनी है, और ये चीज़ें जो हैं ये है अजवाइन और जीरा। बस ये दो चीज़ें मुझे इसमें ऐड करनी है। तो मैंने अजवाइन निकाल दिया, जीरा निकाल के, और इसके अंदर डालूँगी मैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। यहाँ पर देसी घी मैंने एक चम्मच के करीब डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा दाल नहीं थी तो एक चम्मच काफ़ी है। और जैसे ये पिघलेगा इसके अंदर, ये देखिए मैंने देसी घी डाला, जैसे ही घी पिघलता है तो इसके अंदर जीरा और अजवाइन दोनों को मैं डाल दूँगी। और इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, वरना जले हुए की स्मेल आने लग जाती है तड़के में। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, और जो मैंने यहाँ पर कुकर में पानी डाल के रखा है, दाल अलग से रखी है, उसको बंद करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने दाल को ऐड कर दिया है तड़के में। यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि दाल काफ़ी गाढ़ी है, नीचे लग जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और मैं भूल गई थी कि मैंने गिलास में इस दाल के लिए पानी रखा था, और कटोरी में अलग से ले आई मैं पानी। और अब जो है, जो मैंने कुकर में दाल रखी है उसको बनने के लिए यहाँ पर मुझे दो सीटी लगवानी है इसमें। और मनराज के लिए जो दाल है उसके अंदर थोड़ा सा नमक कम था, तो उसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें दो सीटी लगवाएंगे, और दो सीटी के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से दाल जो है पक चुकी है। और यहाँ पे मनराज की फ़िलहाल दाल तैयार हो गई थी, तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको जो हमारी वाली दाल है तैयार हो चुकी है। और यहाँ मैंने जैसे आपको बताया था कुकिंग ऑयल डालेंगे, तो देखिए बिल्कुल भी कुकर जो है वो गंदा नहीं होता है। बाहर जो है जो सीटी लगती है तो वो पानी वानी बाहर नहीं निकलता है, जब हम स्टार्टिंग में दाल को उबालते हैं तब। तो यहाँ पर कुकर को मैंने साइड पे ला के दूसरे उसमें शिफ्ट कर रही थी बर्तन में। कुकर बहुत ज़्यादा गर्म था, बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया है, और दूसरे बर्तन में मैंने दाल को शिफ्ट कर दिया है। गरम दाल होती है तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखकर ही आप दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना, मेरी तरह कहीं इधर उधर हाथ मत जला लेना। मेरे साथ होता है तकरीबन कि मैं बहुत ही ध्यान से करती हूँ, बट फिर भी कई बार जो है हाथ जल जाता है। तो मैंने साइड पे तो है थोड़ा सा धनिया काट के रखा हुआ है। तो आप इसके अंदर चाहें देसी घी डालें, आप इसके अंदर चाहें मक्खन डालें, चाहे आप इसके अंदर क्रीम डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हमें अभी इस टाइम पे नॉर्मल सिंपल दाल ही खानी थी, तो बस हमने धनिया ऐड कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल दाल है, बहुत जल्दी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि काले उड़ाते हैं तो टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगी। मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर ये दाल तैयार होगी, और साथ में चावल तैयार हो गए थे। तो यहाँ देख सकते हो ये दाल मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी है। और आज की वीडियो यहीं तक है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।